टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे डेट प्लस भी और बाकी एग्जाम्स के पोस्टपोन को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसमें सारे कंप्यूटर टीचर के पेपर जो अब तक हुए हैं सारे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि आने वाले कंप्यूटर एग्जाम्स में ये रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्वेश्चन में से, तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है कि 12 राज्यों में संक्रमण गंभीर, 2 हफ्ते के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश। तो दोस्तों पहले भी आपको वीडियो अपलोड करके बताया गया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, जल्दी नोटिस मिलेगा, और अब ये न्यूज़ में भी आ गया है कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अब देश लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है। रविवार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने जहां फिर से 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है, वहीं हरियाणा उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया। दरअसल बीते 5 सप्ताह से देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। 12 राज्यों में स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, ठीक है। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ पढ़ने का इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मेन मेन बात यही है कि जो नेशनल लेवल पे लॉकडाउन लगाने की बातें चल रही हैं, ठीक है, स्टेट तो अपने लगा ही रहे हैं, लेकिन अब जो है पूरे इंडिया पे लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। और एग्ज़ाम जो है मई में होना काफ़ी मुश्किल है, लॉकडाउन लग जाएगा तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम जो है जून से लास्ट से पहले बिल्कुल नहीं होंगे डेट प्लस बी के। तो आपको पहले भी बता दिया था कि आपको 45 दिन करीब एक्स्ट्रा मिल गए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम जो पहले होना था उसमें आप 45 दिन करीब ऐड कर लीजिए, आपको इतना टाइम और मिल गया है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आपको अगर कंप्यूटर टीचर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।